हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक आंसर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट स्टेयरकेस कंक्रीट वॉल्यूम। दोस्तों, हमारी जो सीढ़ी होती है उसमें कितना कंक्रीट जाता है, लगता है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी जो सीढ़ी होती है, ठीक है, वो उसके अंदर कंक्रीट जो लगता है उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा जब भी हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करते हैं या फिर बिल बनाते हैं, तब हमें ये जो स्टेयरकेस की जो वॉल्यूम है, स्टेयरकेस के अंदर जो कंक्रीट लगता है, इसका वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ती है, तभी हम बिल या फिर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, वो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टेप बाय स्टेप सारी क्वांटिटी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और फाइनली टोटल कितनी क्वांटिटी लगती है स्टेयरकेस में, वो भी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो लैंडिंग है, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया है, और जो नीचे का जो स्लैब का पोर्शन है वो दोनों की तरफ उसको बी नाम दे दिया है, और जो ये स्टेप्स है इनको मैंने सी नाम दे दिया है। मतलब आप इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो है 3 फीट है, और ऐसे आप 6 फीट पकड़ लीजिए, क्योंकि जो स्टेयर है उसके बीच मैंने यहाँ पे 3 फीट पकड़ी है, तो दोनों मिला के यहाँ पे 6 फीट की लैंडिंग हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर पकड़ लीजिए, ये फर्स्ट फ्लोर पकड़ लीजिए, और ये मिड स्लैब जो लैंडिंग आती है वो है, ये जो है दोस्तों 6 फीट 8 इंच है, और ऐसे जो है वो 4 फीट 9 इंच है। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी जो भी ट्रेड है इनकी जो साइज़ है, सपोज ये 10 इंच का है तो 10 इंच के है, तो ये 10 इंटू क्या करेंगे, जितने भी ट्रेड है वो प्लस करेंगे, तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा। उसी तरह से आप ये जो है जितने भी राइजर है उसको प्लस करोगे तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा, बट ये जो इंक्लाइन डायमेंशन है स्लोप वाला, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए जो है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जो ये जो लैंडिंग वाला पोर्शन है दोस्तों, इसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लैंडिंग डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो विड्थ है ऐसे वाली, राइट, मतलब यहाँ पे देखिए इसकी 3 फीट, इसकी 3 फीट, मतलब 6 फीट हो गई, और इसकी जो लेंथ है, सॉरी दोस्तों, ये जो लैंडिंग है उसकी विड्थ मतलब क्या है, ऐसी जो विड्थ है वो 3 फीट है, और लेंथ जो है, राइट, मतलब ऐसे वाली, जैसे कि ये फ्लाइट जाएगी उसकी 3 फीट, और वो फ्लाइट 3 फीट, इसमें मिला के 6 फीट उसकी लेंथ हो जाएगी। थिकनेस यहाँ पे 4.5 इंच की स्लैब की थिकनेस मैंने कॉमन रखी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4.5 डिवाइड बाय आप 12 कर सकते हैं, क्योंकि एक फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे तो विड्थ जो है वो 3 फीट है, लेंथ जो है 6 फीट है, और थिकनेस कितनी है स्लैब की, 4.5 इंच है। हमें 3 डायमेंशन चाहिए क्वांटिटी की, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लैंडिंग की जो क्वांटिटी है वो 3 विड्थ इंटू लेंथ इंटू थिकनेस करेंगे, तो 6.75 क्यूबिक फीट दोस्तों हमारे ये जो स्लैब है, ये लैंडिंग वाला पोर्शन जो स्लैब है ए पार्ट, उसकी क्वांटिटी आ गई। तो 6.75 क्यूबिक फीट जो है यहाँ पे कंक्रीट हमारा इसके अंदर लगने वाला है। उसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी की क्वांटिटी। अब पार्ट बी कौन सा है दोस्तों, ये वाला जो स्लैब का पोर्शन होता है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दी, यहाँ से एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर दी है, और ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस मैंने 4.5 इंच ली है, मतलब 4.5 इंच के करीब दोस्तों ये होती है। ठीक है, तो ये 4.5 इंच के स्लैब का थिकनेस है, तो और ये जो है ये नंबर्स कितने लेंगे हम, 2, हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह से वो रेप्लिकेट हो जाएगा सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे फ्लाइट पोर्शन डायमेंशन की बात करें तो ये देखिए, ये जो है यही आप देख सकते हैं कि 6 फीट 8 इंच और 4 फीट 9 इंच है। ठीक है, तो हमें ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये कैलकुलेट करेंगे तभी हमें क्वांटिटी पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये जो है ये हम क्या किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, हम पाइथागोरस का जो नियम है, थ्योरम जो है, उसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसको फीट इंच में है तो इसको फीट में करना होगा, राइट, ये भी फीट इंच में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फीट में कन्वर्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, ये करेक्शन कर देंगे हम। और पाइथागोरस का नियम के हिसाब से अगर हम इसको फाइंड करें तो ये करीबन 8.18 आ जाएगा, मतलब ये जो है 8.18 आ जाएगा, मतलब ये जो लेंथ है वो 8.18 फीट के करीब है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, विड्थ कितनी रहेगी, जो हमारी फ्लाइट की विड्थ है, राइट, करीबन कितनी थी हमारी फ्लाइट की विड्थ, आप समझ लीजिए 3 फीट के करीब होती है, राइट, ये फ्लाइट जो होती है इसकी विड्थ 3 फीट के करीब होती है।
और उसकी जो थिकनेस है वो 4.5 इंच है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फ्लाइट पोर्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स में 2 लेंगे क्योंकि ये वाली ये बी दो नंबर्स है, ठीक है। बी कितना है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय ये जो इंक्लाइन पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी आई, 8.81, ठीक है, फीट आई, ठीक है। और उसी तरह से एक फ्लाइट की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 3 फीट है, ठीक है। और ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, 4.5 इंच है, 4.5 इंच है, तो उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो ये जो फ्लाइट है, दोनों स्लैब है, इंक्लाइन स्लैब, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 19.82 क्यूबिक फीट क्वांटिटी आ गई, ठीक है। हमारी लैंडिंग की क्वांटिटी आ गई, हमारे इंक्लाइन स्लैब की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो ये हमने 2 क्वांटिटी कैलकुलेट की, अब रिमेनिंग रहा हमारा जो ये जो स्टेप्स वाली क्वांटिटी है वो, ठीक है। याद रखना लैंडिंग की क्वांटिटी 6.75 है और जो पोर्शन है स्लोपिंग उसकी 19.82 क्यूबिक फीट है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सी पार्ट जो है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सी पार्ट मतलब ये जो स्टेप्स है दोस्तों, इसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो स्टेप्स है इसमें कितना क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट कंक्रीट हमारा लगा है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप्स है इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो है ट्रेड है हमारा ओरिजेंटल, ये वर्टिकल जो है हमारा राइजर है। ट्रेड का डायमेंशन 10 इंच है और राइजर का डायमेंशन 7.5 इंच है, ठीक है। तो ये दो डायमेंशन है, उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस क्या बन रहा है हमारा 10 इंच का और हाइट क्या बन रही है 7.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, अब ये देखिए 10 इंच है, इसको हमें फीट में करना पड़ेगा, तो 10/12 करेंगे। उसी तरह से हाइट क्या है 7.5 इंच है, इसको फीट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, 0.26 स्क्वायर फीट, ठीक है, 0.26 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होगा ये जो स्टेयर है, ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ से हमारा कट हो रहा है, यहाँ से हमारी ट्राइंगल बन रहा है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 3 फीट के करीब होती है, ठीक है, ऐसे 3 फीट के करीब होती है। तो दोस्तों एरिया ऑफ वन स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो विड्थ है 3 फीट की है और राइट, और ये जो एरिया है हमारे पास है, तो हमारे पास एरिया है और लेंथ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एरिया है उसको लेंथ से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये कितना है 0.26 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाइड बाय 3 फीट करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी आ जाएगी एक स्टेप की कितनी आ जाएगी, 0.78 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो एक स्टेप में हमें 0.78 क्यूबिक फीट जितना कंक्रीट लगने वाला है। तो हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने हैं, देखिए कैलकुलेट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर जाएंगे तो 14 स्टेप है, तो मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमें सारे स्टेप्स की जो कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वो हमें मिल जाएगी। तो टोटल क्वांटिटी अगर हम करेंगे तो एक स्टेप की कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है, 0.78 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 14 स्टेप्स है, तो कितनी आएगी, 10.92 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, पार्ट वन जो है, ठीक है, पार्ट वन मतलब ये जो कंक्रीट का एरिया है इसकी क्वांटिटी कितनी आई, 6.75 क्यूबिक मीटर, और पार्ट बी ये जो लैंडिंग वाले जो पोर्शन इसकी क्वांटिटी कितनी आई, करीबन ये 19.82 क्यूबिक फीट, ठीक है। और पार्ट थ्री जो है हमारा सी पोर्शन, उसकी क्वांटिटी कितनी आई यहाँ पर, 10.92। तो फाइनल टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टेयर कंक्रीट कितनी आएगी, 6.75, 19.82 और 10.92, मतलब 37.49 क्यूबिक फीट कंक्रीट दोस्तों हमें ये जो स्टेयर है इसके अंदर लगने वाला है। दोस्तों बहुत ही एक्यूरेसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है स्टेयरकेस का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, कंक्रीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। और इसके रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।